हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू प्राणिकास किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं यीपी मैगी, बिल्कुल मेरे स्टाइल में। घर के बड़ों को, बच्चों को, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम पानी लेंगे एक पतीली में। पानी गर्म होने के बाद उसके अंदर मैं 3 यीपी मैगी के पाउच डाल दूँगी। पानी गर्म होने के बाद ही हमें ये नूडल्स इसके अंदर ऐड करने हैं। इन्हें हमें पानी में बॉईल करना है। इनके मसाले का पाउच हम अलग निकाल लेंगे क्योंकि हम इसे बाद में ऐड करेंगे। अभी सिर्फ नूडल्स को हम बॉईल करेंगे पानी में। तीनों पैकेट्स में इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए इस तरीके से पानी में जब बॉयल आने लगेगा उसके बाद हम इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। जब ये बॉयल हो जाएंगे तो हम इन्हें पानी से निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा ओवर बॉयल मत कीजिएगा इसे, वरना ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। 2 मिनट बॉयल करने के बाद हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। इस तरीके से हमें इसे पानी को सारा ड्रेन कर लेना है। उसके बाद हम इसे ठंडे पानी से वॉश भी करेंगे क्योंकि इससे इसका बॉइलिंग प्रोसेस रुक जाएगा, नहीं तो ये मैशी हो जाएंगे अगर हम इसे ठंडे पानी से वॉश नहीं करेंगे तो। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस में। कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च जो मैंने बारीक काट के रख ली थी। इसे थोड़ी देर तक भुनेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, जिन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसे भी थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरह से बारीक कट करके ले लिया है। लंबी लंबी स्लाइस में ही काटिएगा फ्रेंड्स, जैसे नूडल्स में होते हैं ये। अब इसे हम फुल फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें पत्ता गोभी ऐड कर दूंगी। पत्ता गोभी मैंने थोड़ी बाद में इसलिए ऐड की है क्योंकि ये पानी छोड़ देती है, इस वजह से मैंने इसे इस स्टेज पे ऐड किया है। फ्लेम को फुल रखिएगा, इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। जब तक हमारी ये सब्जी फ्राई हो रही है हम अपना नेक्स्ट जो काम है वो कर लेते हैं। कटोरी ली है मैंने। कटोरी के अंदर मैं जो 3 पाउच थे हमारे यीपी मैगी के मसाला के, वो मैं कटोरी में निकाल लूँगी। देखिए इस तरीके से 3 पाउच निकालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। सोया सॉस मैंने 1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच ही मैं इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ, सिरका। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। इधर हमारी सब्जी भी कुक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने मसाला तैयार किया था, सोया सॉस और सिरका डाल के, अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप इस तरीके से अगर मैगी बनाइएगा तो बाहर के नूडल्स 100% भूल जाओगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जो मैंने नूडल्स बॉईल करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें धीरे धीरे इन्हें मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है ये हमारे सारे नूडल्स पे कोट हो जाए अच्छे से। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल बाहर के नूडल्स जैसा, और खाने में ये उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप इस तरीके से नूडल्स बनाओगे तो आप बाहर के नूडल्स खाना भूल जाओगे 100%। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे केचप के साथ इंजॉय कर सकते हो, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मिर्च आप इसमें अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, मिर्च मैंने थोड़ी कम रखी थी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।